भैया आप क्या कर रहे थे? अरे ये पत्ती साफ कर रहे थे और ये पत्ती बिल्कुल कीड़ा जैसे लग गए थे ना। ये देखो ये। अच्छा भैया, हाँ क्या हाल चाल है घर के? भैया घर का तो बहुत बढ़िया, हाल चाल बढ़िया है, ठीक है, कुछ परेशानी नहीं है। अच्छा भैया, हाँ सब ठीक है। अरे गोभी की फसल लगाए हैं भैया, तो बहुत परेशानी है इसमें। क्या परेशानी है भैया? अरे भैया इसमें थोड़ा गोभी के पत्तों में कीड़े लग गए हैं। अच्छा, और ये पीले पत्ते भी हो रहे हैं गोभी के। अच्छा हाँ, और इल्लियाँ भी लग गए हैं। अच्छा। और फूल भी काले हो रहे हैं, और रात में भी ये कीड़े निकलते हैं, माहू हो गए हैं पत्ते में और छेद छेद कर रहे हैं। तो इसमें तो बहुत जल्दी वो करो भैया, जब तो नहीं तो ये पूरा छेद हो जाएंगे। हाँ, छेद हो रहे हैं ना पूरे। हाँ। क्या है कि पत्ती छेद हो जाने से इसके हाँ। फूल जो है वो भी हाँ। नुकसानदायक होगा। हाँ। तो इसको हाँ। और बाकी सब तो ठीक है भैया? अरे चूहे भी काट रहे हैं रात में। चूहे के लिए भैया पहले के बुजुर्ग लोग बताते थे तेंदू का गेड़ा जो है नहीं हाँ। वो लंबे लंबे उसको वैसे गड़ा देना चाहिए भैया हाँ। उससे ज्यादा बेहतर अच्छा होता है। क्या सर्प है करके चूहे भाग जाते हैं हाँ। ठीक है हाँ। माहू जो है वो पत्ती में लिपट कर और पत्तों को चूसते हैं और पत्ते सिकुड़ने लगते हैं। अच्छा भैया, और कुछ कीड़े हैं वो रात में फूलों को काटते हैं और फूल काला हो जाता है। अच्छा, वो कीड़े क्या दिन में नहीं निकलते भैया? नहीं निकलते ना, रात में निकलते हैं। रात में निकलते हैं। और हाँ, कुछ कीड़े ऐसे भी होते होंगे दिन में भी निकलते होंगे? दिन में भी थोड़ा निकलते रहते हैं। अच्छा भैया हाँ। ये सब समस्या है हाँ। वो माहू लग रहे हैं हाँ। और इल्ली भी लग रहे हैं हाँ। और रात में कीड़े निकलते हैं हाँ। ये सब परेशानी है हाँ। और गोभी फूल गोभी भी काला पड़ जाते हैं, ये सब परेशानी है, इसके लिए आप क्या करोगे? एक हम जैविक दवाई लाए हैं। अच्छा, जैविक दवा का है? हाँ, जैविक। तो वो अपने हाथ से बनाया हो कि बाहर? नहीं, वो नीम के पत्ती से बनता है, वो नीमैक्स। नीमैक्स? हाँ, नीमैक्स। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो कोई जैविक मतलब रासायनिक खाद उसमें नहीं है। नहीं है? हाँ नहीं है। अच्छा, जैसे कोई जैसे तितली है हाँ, जैसे कीड़ों को ग्रहण करने वाले कई पक्षी बैठ जाते वो हैं, वो नहीं मरते हाँ, वो भी उनको हाँ, तो नुकसानदायक नहीं ना? होते जो अच्छा। ये पत्तियों को चूसने वाले कीड़े हैं हाँ, अच्छा। कुछ इल्लियां वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ठीक। हाँ, ये खाने में नुकसान नहीं पहुंचाता। अच्छा, ये दवा है भैया ये? अच्छा। समस्या को हल करने के लिए। अच्छा, ये गोभियों की फसल नुकसान कर रहे हैं उसके लिए ये दवा का हम उपचार करेंगे। अच्छा, जो हम नीम से बनाया जाता है इसको। अच्छा अच्छा, बाकी हमको मतलब घर में घरेलू काम होने के कारण घर में समय नहीं हाँ, मिलने समय ना मिलने के कारण हम कृषि विभाग से मतलब कृषि वाले दुकानों से। अच्छा, ये कृषि से संबंधित जो भी दुकान हाँ, दवाई दुकान हो हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक, ये दवाई हम लाए हैं हाँ। अच्छा ठीक हाँ। अच्छा भैया हाँ, आप तो ये दवा बताए हैं जरूर हाँ, लेकिन इसका उपयोग हाँ कैसे करेंगे भैया? हाँ मैं उपयोग तो बताइए हाँ, इसको मैं बताता हूँ ना, इसके उपयोग करके बताता हूँ ना। चलो चलो भैया, करके बताइए ना भैया। ये दवा तो बताए हैं आप हाँ, लेकिन ये दवा को उपयोग करने में कौन कौन सी चीज लगते हैं भैया? ठीक है ना, हम बताते हैं ना। ये दवा का बाटल है, नीमैक्स दवाई। अच्छा भैया हाँ, हाँ, ये लगती है और पानी लगती है और ये पंप स्प्रे पंप। अच्छा भैया, जो नाजल इसमें अपन हाँ, और इसमें हाँ। अच्छा भैया हाँ, ये सब चीज तो बता चुके हैं आप, नीमैक्स दवा बताए, पंप बताए हाँ, पानी बताए हाँ, लेकिन इसको कैसे कैसे मिलाते हैं भैया? हम बताते हैं ना इसको। इसमें हम पहले
10 लीटर पानी डालते हैं ना। अच्छा भैया, हाँ ये 10 लीटर पानी डाले। भैया हम इसमें दवा डालेंगे 50 ml। अच्छा भैया, हाँ। 50 ml। अच्छा 50 ml क्यों डालते हैं भैया? हाँ भैया, 1 लीटर में 5 ml पानी दवा लगता है। अच्छा, इसलिए हम इस डब्बे में 10 लीटर पानी रखे हैं। रखे हो? हाँ। अच्छा अच्छा, तो इसलिए हम 50 ml डालोगे? हाँ, 50 ml डालेंगे इसमें। अच्छा, अच्छा भैया, हाँ। ये ढक्कन में कितना ml पानी आता है, दवा आता है? इसमें 10 ml आता है। 10 ml आता, हाँ, है 10 ml। अच्छा, इसलिए हम 10 लीटर पानी में 5 ढक्कन डालेंगे। अच्छा भैया, हाँ। एक, दो, चार, ये 5 ढक्कन हो गए। अच्छा भैया, हाँ। ये 10 लीटर पानी में तो 50 ml दवा डाल चुके हैं आप, हाँ। लेकिन इसका घुले जो है घुलनशील कैसे होगा भैया? ये भैया डालते ही ये घुल जाता है पानी में। अच्छा भैया, हाँ। जल्दी से मिल जाता है ये। अच्छा, हाँ। अब चलो भैया, इसको हम डाल के दिखाते हैं। चलो भैया, हाँ, दवाई को। हाँ। थोड़ा वजन है इसको, थोड़ा इधर पीछे से लटका देना। अच्छा ठीक है भैया, हाँ। अब देखो भैया, आप डाल के दवा हम बताते हैं। अच्छा भैया, हाँ, ये नाजल है ये। अच्छा, ये तो हैंडल है इसका। अच्छा, ये हैंडल में आपका क्या हवा जाता है कि, हाँ, पानी हवा जाता है करता ना? इस तरह से अपन लोग ऐसे, अच्छा, पत्तों में ऐसे सींचते हैं, ये देखो। ठीक, हाँ, है भैया, हाँ, ऐसा इस प्रकार से देखो। अच्छा, पौधों में भैया, हाँ, इसमें कितनी प्रतिशत पड़ना चाहिए पानी, तो दवा वाला पानी? अरे पूरे पत्तों में पड़ जाना चाहिए ना ऐसे, ये देखो, देखो। भैया देखो, ये ऊपर ऊपर डाल रहे हैं, थोड़ी सघन होने के कारण ये नीचे भी डालना पड़ता है ये। अच्छा भैया, देखिए इस तरह से ऊपर छींचे और अच्छा, इस तरह से नीचे भी। अच्छा, तो इसके जड़ों तक पहुंच जाते हैं इसका, जी। हाँ, ये जड़ों तक इसका पहुंचा हो जाता है। अच्छा भैया, हाँ, देखो ऐसा जी, हाँ। ठीक है भैया, इससे दोनों तरफ पड़ जाता होगा ना? तरफ पड़ता है ना, चारों तरफ। अच्छा भैया, हाँ? ये जो दवा डालते हैं अपन, इससे, हाँ, कोई नुकसान तो नहीं होता? नहीं होता ना इससे, ये इसमें से कोई नुकसान नहीं होता, ये कीड़े मर जाते हैं। अच्छा भैया, हाँ, और कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जो अपन लोग रासायनिक दवा डालते हैं ना, अच्छा अच्छा, उसमें ऐसी पट्टी बांध कर डालते हैं, वो नुकसानदायक होता, हाँ, है क्या? नुकसानदायक होता है ना। अच्छा, और पैरों को सब, हाँ, जैसे अपन, हाँ, ये सब्जी में डाले, हाँ, वो दवाई, हाँ, नुकसानदायक, हाँ, वो कितने दिन तक वो अपने पौधा में रहता है उसका? उसका 2-3 दिन तक उसको नहीं तोड़ सकते अपन। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, खा सकते, नहीं खा सकते? अरे ये, ये एक जैविक दवाई है। अच्छा, ये शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता अपने लोगों को, ना फसल में नुकसान नहीं पहुंचाता। अच्छा, हाँ, ये बढ़िया दवा है। अच्छा भैया, हाँ, अच्छा भैया, हाँ, ये दवा को डालने से आपको और क्या क्या लाभ है? अरे इसके, इस दवा को डालने से कीड़े मर जाते हैं, इल्ली मर जाते हैं, हाँ, और अच्छी फसल दिखती है हमारी। अच्छा, हाँ,
अच्छी हरा भरा लगती है इस दवा को सींचने से। अच्छा ठीक है, देखो ये बहुत लाभदायक है दवाई। अच्छा, जो तितली है मधुमक्खी है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अच्छा अच्छा, ये बहुत लाभदायक है दवाई। हाँ अच्छा, कहा है भैया? हाँ, ये जो दवा आप बताए जैविक ना, हाँ, ये दवा को क्या अपन गोभी में कर सकते हैं क्या? नहीं, ये तो सभी फसलों के लिए, जैसे चना है, भट्टा है। अच्छा, और गेहूँ है, बटरा है, धान में, ये सभी फसलों के लिए है ये। अच्छा, ये तो जैविक दवा है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा ठीक है भैया। हाँ, ये तो सभी फसलों में डाल सकते हैं अपन। अच्छा, अच्छा भैया। हाँ, ये तो दवा का उपयोग तो बताए। हाँ, हाँ, लेकिन इस दवा को कितने कितने समय में डाल सकते हैं भैया? इस दवा को अपन लोग सुबह डाल सकते हैं और शाम के। अच्छा, ये कड़ी धूप में इसको नहीं डाल सकते, दोपहर के समय में। क्यों नहीं डाल सकते भैया? क्योंकि इसका असर कम पड़ता है ना। अच्छा, हाँ, दवा का असर कम पड़ता। हाँ, है कम पड़ता है। अच्छा, इसलिए अपन लोग दोपहर के नहीं डालते। अच्छा भाव सिंह भैया, आप जैविक दवा के बारे में बताए हैं, वो अच्छा चीज बताए हैं जो मुझे भी अच्छा लग रहा है और फसल भी अच्छा उत्पादन होगा। इस तरह मेरे घर के पास में भी किसान भाई हैं, वो भी अपने जैविक दवा का उपयोग करेंगे और अपने फसल में जो है कीड़ों से, कीड़े मकोड़ों से वो फसल को बचा सकेंगे और फसल का उत्पादन अच्छा से लेंगे। इसी तरह मैं और भी किसान भाइयों से अपेक्षा करता हूं कि वो भी इसी जैविक दवा का उपयोग करें और कीड़े मकोड़ों जो नुकसानदायक है उनको नष्ट कर और अपने फसल उत्पादन बढ़ाएं। इसी के साथ भैया, वासुदेव भैया, अब मैं चलता हूं, अब आपसे विदा लेता हूं। आपको जो भी समय लिया वो मुझ पर क्षमा करना। राम राम भैया। राम राम। अब चलता हूँ।